मैं अजय उपाध्याय आपके क्लास में आ चुका हूं, आप लोग भी आ चुके हैं। चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स पे और मैंने आपको यहां तक यात्रा कराया है। मौलिक अधिकार में आपको मैंने एक अधिकार समझाया, समानता का अधिकार। देखिए, एक बात को ध्यान हम लोगों को ये देना है कि जो टेट सीटेट की एग्जाम है उसमें सवाल किस टाइप के बनेंगे, तो सवाल यहाँ पे जो है तथ्य परक होंगे। आप जब कोई ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देते हो तो वहां पर अप्लाइडेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ टेट सीटेट में कोई अप्लाइड क्वेश्चन नहीं होगा, तथ्य परक क्वेश्चन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है संविधान को पढ़ना है। तो हम कल बताए थे समानता का अधिकार, आज हम आपको भाग तीन में दूसरे अधिकार की ओर लेकर चलेंगे। जो दूसरा अधिकार आपका है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग तीन में निहित है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, एक बार मैं आप लोगों को देख लूं, मेरी आवाज अगर आपको पहुंच रही है तो आप कृपया एस लिखें ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। आपको आवाज अगर हमारा पहुंच रहा है तो आप एस लिखें ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। ओके, स्वतंत्रता के अधिकार। अब प्रश्न यह है कि अधिकार क्यों दिया जाता है भाई? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिया जाता है। व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास तभी कर पाएगा जब उसे अधिकार प्राप्त हो। महोदय, जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता आप छीन लें तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा, है ना। यहां पर हम लोगों को पहले सीखना है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जिसमें से एक स्वतंत्रता निरसित कर दिया गया। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 कहता है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19 कैसी स्वतंत्रता देता है भाई? तो अनुच्छेद 19 में कई खंड हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) शास्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लें शास्त्र रहित सम्मेलन। 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो यहां लिख दें हम लोग संघ बनाना। 19(1)(d) भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दें भ्रमण। 19(1)(d) के बाद ई निवास करने की स्वतंत्रता, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दें निवास। अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने, व्यय करने की स्वतंत्रता, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दें संपत्ति। और अनुच्छेद 19(1)(f) के बाद जी, आपके जी में है जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार कारोबार चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में आपको बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये 7 स्वतंत्रताएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई हैं, इसमें से एक स्वतंत्रता संपत्ति को अर्जित करने, अर्जित करने का मतलब होता है धन कमाने, धारण करने अपने पास पैसा रखने, तथा व्यय करने की स्वतंत्रता को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
1978 से निरसित कर दिया गया। निरसित का मतलब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब आपके अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो मात्र 6 स्वतंत्रताएं हैं। इसका इंपॉर्टेंसी है, इसका महत्व है। आपको ध्यान ये देना है कि सवाल बनते कहां से हैं, सवाल के महत्व कहां है। तो यहां पर सवाल का महत्व है, आपके टेट सीटेट में यहां से सवाल बनने की संभावनाएं हैं। अब यहां देखिए, चूंकि हमारे संविधान का व्याख्याता न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने अनुच्छेद 19(1)(a) का व्याख्या करते हुए, विचार अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए आपको तमाम अधिकार उपहार के रूप में दिया। महोदय, कुछ आपके ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको न्यायपालिका न्यायिक निर्णय से प्रदान करती है, जिसे हम लोग छुपा हुआ अधिकार कहते हैं, छद्म अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, न्यायपालिका ने विचार अभिव्यक्ति शब्द का व्याख्या करते हुए आपको कौन कौन से अधिकार दिए, तो यहां पर ध्यान देना है। तो न्यायपालिका ने आपको कौन कौन से अधिकार यहां पर दिया है, तो पहला अधिकार आपका देखिए ये है, प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी। दूसरा न्यायपालिका ने आपको अधिकार अनुच्छेद 19(a) में दिया, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो दो आपके ऐसे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत निहित हैं, विचार अभिव्यक्ति की आजादी में निहित हैं, विचार अभिव्यक्ति की आजादी में छुपे हुए हैं। महोदय, न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति शब्द का व्याख्या करते हुए कहा कि थॉट एंड एक्सप्रेशन, थोड़ा सा ये समझने की चीज है, मैं थोड़ा सा रुक के समझा लूं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। विचार, थॉट, आपके अंदर जो थॉट बनते हैं, जो विचार बनते हैं, उसी का आप एक्सप्रेशन करते हो। आपके मन में जो मनोभाव पैदा होगा उसी को आप अभिव्यक्त करते हो। अभिव्यक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अभिधन व्यक्ति, अर्थात जो अपने को स्वयं व्यक्त कर सके वह अभिव्यक्त है। किसी को हम व्यक्ति क्यों कहते हैं, जो अपने को व्यक्त कर लेता है वो व्यक्ति है, जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है वो पशु है। तो ये जो अभिव्यक्ति है, न्यायपालिका ने कहा कि महोदय, अभिव्यक्ति की आजादी अगर आप देते हो और अभिव्यक्ति के साधनों को छीन लेते हो, तो वह अभिव्यक्ति की आजादी आजादी नहीं। जैसे आप अपने को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, आपकी अभिव्यक्ति के माध्यम पत्र पत्रिका समाचार पत्र है ना, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब कुछ है। अब यहां पर क्या है कि जो प्रेस की आजादी है, यह एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसी के माध्यम से हम अपने थॉट को अभिव्यक्त करते हैं। तो न्यायपालिका ने आपको एक नया अधिकार दे दिया, तो प्रेस की आजादी आपका मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका ने 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में अभिव्यक्ति शब्द का व्याख्या करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, और जो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत निहित है, अनुच्छेद 19(1)(a) में समाहित है। और इस प्रकार न्यायपालिका ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो संसद ने इसके लिए कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट, जिसे आप कहते हो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक्ट कानून जो है 2005 में बना, और यह सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब यहाँ आपका सवाल हिट हो गया, अब यहाँ पर आपका सवाल बन गया। ऐसे एग्जाम में पूछे कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, आप कहिए मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार भी है, क्योंकि 2005 में संसद ने इसके लिए कानून बना दिया। अब किसी भी सरकारी संस्थान से आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगर कोई सूचना आपको निर्धारित 30 दिन के अंदर नहीं देता है, तो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब यहां आइए, शस्त्र रहित सम्मेलन करने की आजादी, आपको बिना हथियारों के, शस्त्र रहित का मतलब बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। संघ बनाने की आजादी, जो संघ बनाया जाता है वो संघ बनाने की आजादी भी आपको मौलिक अधिकार है।
पीसीएस में एक सवाल किया था कि संघ इसी आधार पर छात्र संघ, किसान संघ, मजदूर संघ, राजनीतिक संघ का निर्माण होता है। तो राजनीतिक संघ का निर्माण करना अर्थात राजनीतिक दल का गठन करना आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो हो सकता है कि वो आपके वन लाइनर सवाल को पूछ दे कि राजनीतिक दल का गठन करना कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19(1)(c) में है। आपको भ्रमण करने की आजादी है, ये जो भ्रमण करने की आजादी है भारत के अंदर भ्रमण करने की आजादी है, भारत के बाहर भ्रमण करने की आजादी जो है आपको अनुच्छेद 21 से मिला है, जिसे हम विदेश भ्रमण की आजादी कहते हैं। तो विदेश भ्रमण की आजादी अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत है, और भारत के आंतरिक भ्रमण की आजादी अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत है। निवास करने की आजादी, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर में निवास करने पर प्रतिबंध है, और आपका ये जो है एक अधिकार समाप्त कर दिया गया है। और अंतिम अधिकार है जीविकोपार्जन का, अर्थात जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी व्यापार कारोबार कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो ये अधिकार दिए जा रहे हैं अनुच्छेद 19 में, भ्रमण करने, निवास करने, संघ बनाने, सम्मेलन करने, अभिव्यक्ति करने, यह पूर्ण नहीं है, यह प्रतिबंधों के साथ है। अगर आपके अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतंत्रता से लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार प्रभावित होने लगता है, जनता का हित प्रभावित होने लगता है, तो संविधान कहता है कि मैं इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित कर दूंगा। महोदय, आप हमें ये बताइए, आपको भ्रमण करने की आजादी है, तो क्या आप किसी के बेडरूम का भ्रमण कर देंगे? आपको भ्रमण करने की आजादी है तो उन क्षेत्रों में भ्रमण करने लगेंगे जहां प्रतिबंधित है। अभी आपके भ्रमण करने की आजादी पर अभी एक नया मैं एग्जाम्पल दूं, भ्रमण करने की आजादी पर रोक लगाई गई। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोग पर्यटक घूमने जाते थे। हमारे यहाँ एक जनजाति है जरवा जनजाति, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जंगलों में निवास करती है। हुआ यूं कि जो मेरे भारतीय पर्यटक थे अंडमान निकोबार जब पर्यटन करने गए, घूमने गए, तो वहां जंगलों में जब जरवा जनजातियों को देखा तो उनका वीडियो बना लिया। जरवा जनजाति के लोग आज भी भारत में ऐसे हैं जो हमारे कल्चर में अडॉप्ट नहीं हो पाए हैं। और भारत में जरवा ही जनजाति नहीं, ऐसी बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं जिनकी कल्चर, जिनकी संस्कृति हमारे संस्कृति से बिलोंग नहीं करती है। आज भी जरवा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जंगलों में नग्न अवस्था में रहते हैं, लोग उसका वीडियो बना के उसका हास परिहास उपहास करने लगे। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। वहां पर सरकार ने रोक लगा दिया कि भाई आप वहां भ्रमण नहीं करेंगे, तब तो आप कहेंगे कि भ्रमण करने की आजादी हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार है, लेकिन आपके भ्रमण करने से किसी एक के कल्चर का हास परिहास उपहास हो रहा है, जनता का हित प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी आजादी को रोका जाएगा, है ना। निहितार्थ ये है कि आपको अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई है प्रतिबंधों के साथ है, मर्यादित स्वतंत्रता है, उस मर्यादा में रहकर स्वतंत्रता को उपभोग करिए। अगर आपकी स्वतंत्रता से लोक व्यवस्था प्रभावित हुआ, शिष्टाचार के अंगेष्ट आप गए, तो संविधान कहता है हम रोक लगा देंगे। तो अनुच्छेद 19 पर संभावित सवाल क्या है, कभी ये मत भूलना, सूचना का अधिकार है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम के रूप में कब आया, 2005 में। सूचना के अधिकार ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं है। ये सवाल आपके लिए अनुच्छेद 19 पर बनता है। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के बारे में अंतिम बात, मैंने आपको मौलिक अधिकार की विशेषता में पढ़ाया था। अनुच्छेद 19 की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं आपातकाल के समय स्वतः क्या हो जाएंगी, निलंबित हो जाएंगी। तो ऐसा मौलिक अधिकार है जो स्वतः निलंबित हो जाता है। अब आइए मैं आपको दूसरे अधिकार की तरफ लेकर चलूं, दूसरा अनुच्छेद समझा दूं, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22
19 के बाद 20, सॉरी 19 के बाद 20। 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 20 टेट सी टेट के लिए क्या सवाल बन सकता है, केवल हेडिंग से, हेडिंग से बन सकता है, हेडिंग के आगे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि यह व्यवहारिक है। 2 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा देता हूं कि ये व्यवहारिक चीजें हैं, ये सब जानना चाहिए। तो 20 को आप भली भांति तब समझ पाओगे जब 20 के 3 खंडों को समझो। 20 का खंड एक कहता है कि प्रवर्तित विधि के अनुसार दंडित, प्रवर्तित विधि के अनुसार दंडित। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। दोहरे दंड से संरक्षण, और 20 का खंड 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं। इसमें एक बात और जोड़ा गया है, परंतु चिकित्सीय परीक्षण के लिए बाध्य, चिकित्सीय परीक्षण के लिए बाध्य। अब समझिए हेडिंग कभी मत भूलिएगा कि 20 का हेडिंग क्या कहता है, अपराध और दोष सिद्धि। महोदय कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति क्राइम करे तो हमें आप लिख कर बताइए कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिख कर हमें बताइए, कमेंट करिए। अगर एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो लिखिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उसे क्रिमिनल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्राइम करने वाला क्रिमिनल है या नहीं है? अगर है तो एस, नहीं है तो नो। अपराध करने वाला अपराधी है कि नहीं है? अगर अपराधी है तो एस लिखिए, अगर नो तो नहीं लिखिए। अपराध करने वाले को अपराधी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई देखिए पढ़ाई हो रहा है तो आप थोड़ा एक्टिव रहिए, कुछ हाँ या ना लिखते रहिए। सामने रहते तो बात अलग होती, लेकिन नहीं है तो भी अपराध करने वाला अपराधी है या नहीं है? बाकी लोग एस लिख रहे हैं। एक बार मेरे प्रश्न को फिर से सुनिए। क्राइम करने वाला क्रिमिनल कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा तो एस। अपराध करने वाला अपराधी कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा तो एस, अगर नहीं कहा जाएगा तो नो। काफी लोग एस एस लिखे हैं, बीमारी आपके पास बहुत बड़ी है। हाँ आर रवि, आर रवि सही लिख रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन जो लोग एस लिख रहे हैं महोदय, आपके पास बीमारी ज्यादा है। आइए ध्यान दीजिए, अब मैं समझाता हूं, अब थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, 2 मिनट लगेगा, चीजें सीख जाएंगे, व्यवहारिक चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, क्राइम करता है, तो अपराधी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाएगा, और अभियुक्त के ऊपर जो मुकदमा अधिरोपित किया जाएगा उसे अभियोग कहा जाएगा। और जब अभियुक्त में अभियोग शब्द को जोड़ देंगे तो एक शब्द आता है अभियोजित। अभियोजित शब्द एक व्यापक शब्द है जो यह बोध कराता है कि क्राइम कौन किया और उसके ऊपर कौन सी धारा लगा, उसे कहेंगे अभियोजित। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप हम पे ऊपर आरोप लगा दिए कि हम देख रहे थे, सर जा रहे थे अपने साथ मार्कर लेकर चले गए, तो इस प्रकार तो आरोप लगाना, हम अपराधी की श्रेणी में थोड़े आ जाएंगे। संविधान कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, जब तक उसके ऊपर लगाए गए आरोप प्रूव्ड न हो जाए,
तब तक वो अपराधी नहीं अभियुक्त है। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भारत में ऐसा बहुत होता है, इसीलिए हमें मौलिक अधिकार दिया और कहा कि जब तक उसके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध न हो जाएं, प्रूव्ड न हो जाएं, केवल आरोप लगा देने से वो क्रिमिनल या अपराधी नहीं है। अपराध कर कोई करता है तो उसे हम अपराधी नहीं कहेंगे, उसके लिए उचित नाम होगा अभियुक्त। उसके ऊपर लगाया गया मुकदमा अभियोग, और अभियुक्त और अभियोग दोनों मिलते हैं तो अभियोजित हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही गई यहां पर कि कोई भी व्यक्ति, गौर करेंगे 20 का खंडे, प्रवर्तित विधि के अनुसार दंडित किया जाए, अर्थात अपराध करते समय जो दंड प्रचलन में होगा उसी के अनुसार दंडित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि चोरी एक अपराध है और जो चोरी करेगा उसको 10 कोड़े मारे जाएं। एक व्यक्ति ने चोरी किया, है ना, आज ही दंड प्रचलन में था कि जो चोरी करेगा 10 कोड़ा खाएगा। एक व्यक्ति ने चोरी किया, आप उसे 10 कोड़े वो खा भी लिया। कल को इसी कानून में संशोधन हो जाए और नियम ये बन जाए कि अब चोरी करने वाले को 20 कोड़े मारे जाएंगे, तो महोदय आप हमको ये बताओ कि क्या कोई व्यक्ति चोरी किया था, 10 कोड़े खाए थे, कल कानून में संशोधन हो जाने के बाद उसे घर से पकड़ कर लाएंगे आप और 10 कोड़ा और मारेंगे कि भैया हमारे कानून में परिवर्तन हो गया, पहले 10 ही न खाए थे, अभी आपका 10 और बाकी है कानून के अनुसार। अगर आप उसको दोबारा 10 कोड़ा और मारेंगे कि अब तो 20 का प्रावधान हो गया, 10 और खाओ, तो यह तो दोहरे दंड के श्रेणी में आ गया। संविधान मना करता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित न किया जाए। इसीलिए मैंने अभियोजित शब्द को आपको बताया, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित न किया जाए, क्योंकि दोहरे दंड से संरक्षण। तो अपराध करते समय जो दंड प्रचलन में होगा उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा। एक नया एग्जाम्पल ले लीजिए टाडा कानून का। टाडा कानून जो है 1985 में बना और 1995 में इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। 1985 में बना, 1995 में खत्म कर दिया। संजय दत्त टाडा कानून के तहत दंडित हुए थे और संजय दत्त पर जब आरोप लगा वह 1993 में लगा, तो संजय दत्त जिस समय क्राइम किए उस समय टाडा चल रहा था, उस टाडा के तहत उनको दंड दिया गया। और उसको आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि संजय दत्त अपने दंड का अनुपालन अभी पिछले साल पूरा किए हैं, जबकि कानून 95 में खत्म था, लेकिन जो दंड दिया गया था उस दंड का तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस समय वो क्राइम किए, जिस समय वो अपराध किए, उस समय टाडा प्रचलन में था, टाडा प्रवर्तित था, तो प्रवर्तित विधि के अनुसार दंड देने का प्रावधान है हमारे संविधान में। आगे कहा गया है 20 के खंड 3 में, स्वयं केवल साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है ना, अर्थात पुलिस प्रशासन का काम होता है एविडेंस जुटाना। महोदय कहीं लिखा है कि यहां साक्ष्य देते समय बल का प्रयोग किया जाए? नहीं, बल का प्रयोग करना होगा साक्ष्य लेने के लिए तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना होगा, दंडाधिकारी से अनुमति लेना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। तो जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका को मिथ्या साक्ष्य या भ्रामक तथ्य देता है, न्यायपालिका को बरगलाने का काम करता है, तो न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को रिमांड पर पुलिस को देती है, तभी पुलिस उसके विरुद्ध बल का प्रयोग करेगा। यहां लिखा है स्पष्ट रूप से कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। पुलिस मारपीट कर ये नहीं कह सकती है कि नहीं बताओ तुम क्राइम किए हो कि नहीं किए हो। लेकिन इसमें एक परंतु जुड़ा हुआ है कि चिकित्सीय परीक्षण देने के लिए बाध्य किया जाएगा, आपको साक्ष्य देने के लिए बाध्य तो नहीं किया जाएगा, लेकिन मेडिकल टेस्ट देने के लिए बाध्य किया जाएगा, चिकित्सीय परीक्षण देने के लिए बाध्य किया जाएगा, डीएनए टेस्ट से आपको गुजारा जा सकता है, पोलोग्राफी मशीन पर आपको चढ़ाया जा सकता है, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है उस पर उस परीक्षण से आपको गुजारा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे कहने का तात्पर्य है कि समझने वाली चीज थी, बस आप 20 जानते रहना कि 20 क्या कहता है, यहाँ पे तथ्य सवाल होगा। अब आइए हम आपको अनुच्छेद 21 समझाएं। अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब गौर करिए, प्राण का मतलब होता है आत्मा, दैहिक का मतलब होता है शरीर, अर्थात आप अपने प्राण को लेकर स्वतंत्र हो, आप अपने शरीर को लेकर स्वतंत्र हो, है ना। आत्मा और शरीर के बीच क्या संबंध है? अगर शरीर से आत्मा को निकाल दें तो शरीर का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा, वह शरीर मृत हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हो, है ना। और यहां अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि आप अपने प्राण को लेकर स्वतंत्र हो, आप अपने शरीर को लेकर स्वतंत्र हो, ये आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। चाहे तो आप अपने प्राण को शरीर में रखिए, चाहे शरीर से बाहर निकाल दीजिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। भाई भाव तो यही ना है, निहितार्थ तो यही ना है कि हम चाहें तो अपने शरीर में प्राण को रखें, चाहे शरीर से प्राण को निकाल दें। दूसरी बात, चाहे तो आप खूब शरीर को साबुन शैंपू तेल लगाकर बढ़िया से रखिए, स्वच्छ रखिए, चाहे खूब गंदा रखिए, ये आपका शरीर है, आप अपने शरीर को स्वच्छ रखिए या गंदा रखिए, ये मौलिक अधिकार है। चाहे तो इसको ब्लेड से काटिए पीटिए, कुछ लिखिए जलाइए, ये आपका शरीर है, है ना। तो भाव तो यही है कि आप अपने शरीर में अपनी आत्मा को रखिए या बाहर निकाल लीजिए। इसका मतलब कि यहां पर जो भाव मिल रहा है कि आत्महत्या, आत्महत्या करना आपका एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 कह रहा है कि हम चाहें तो अपने शरीर में प्राण को रखें या निकाल लें। महोदय, अनुच्छेद 21 इतना जबरदस्त अनुच्छेद है कि इसकी व्याख्या हम लोग एक सप्ताह करते हैं सिविल के बैच में, क्योंकि एक सप्ताह हम आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकते। मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है कि मैं आपको अनुच्छेद 21 उस स्वरूप में क्यों नहीं समझा पा रहा हूं, ये मुझे कष्ट और खेद हो रहा है। लेकिन हर क्लास की एक मर्यादा होती है, हम आपको उस स्टेज पर ले जाकर व्याख्या करें तो शायद आपका मूल्यवान समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने टेट सीटेट का टारगेट है, आप परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद हमसे मिलिएगा। हम आपको अनुच्छेद 21 इस कदर समझाएंगे कि अनुच्छेद 21 संविधान का, अंबेडकर ने कहा था, बोन स्टोन कसेरुक दंड है ना। 21 पर कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार रुका हुआ है, अगर 21 नहीं तो मौलिक अधिकार नहीं। इसीलिए तो 20 और 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं, इसका महत्व नहीं है। आप सोचिए, खुद गौर करिए कि समस्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। तो चलिए, अब मैं 21 का अगला एप्लीकेशन लेकर आ रहा हूं जो पुलिस पर है। अनुच्छेद 21 में, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, समझने वाली चीज है। 21 में तो ये कह दिया कि आप अपने प्राण और शरीर को लेकर स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप शरीर में अपनी आत्मा को रखिए या बाहर करिए, अर्थात सुसाइड करिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन यहीं पर एक बात और कहा गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह शब्द जो है जापान के संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से हमने यह शब्द लिया और इसे अनुच्छेद 21 में जोड़ा। और यहां पर लिखा जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और शरीर से वंचित किया जा सकता है, अर्थात कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और शरीर से वंचित किया जा सकता है, अर्थात कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो मृत्युदंड दे देंगे तो उसके शरीर और आत्मा को छीनना ही तो हुआ, है ना। अब यहां देखिए, विधि द्वारा नहीं, विधि बनाकर। ये विधि कैसे बनेगा? विधि बनाने की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कहां स्थापित है? देखिए, यह प्रक्रिया जो विधि बनाने की प्रक्रिया है उसे एस्टेब्लिश कहां किया गया, स्थापित कहां किया गया है? संविधान में। तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कानून बनाया जाए और किसी भी व्यक्ति को प्राण और शरीर को छीनने वाला कानून बनाया जा सकता है,
तो इस प्रकार संसद जिसे कानून बनाने का अधिकार है कुछ ऐसा कानून बना सकता है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान कर सकता है, जिससे हमारे शरीर और आत्मा को छीन सकता है। तो पुलिस में सवाल किया था कि भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक किस देश के समान है, जापान। तो चूंकि ये नया सवाल था इसलिए आप इसको पकड़ के रखिएगा, ये सवाल बन सकता है, टेट में भी आप पूछा जा सकता है कि विधि बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के समान है, तो आप बताएंगे जापान। ठीक है, तो कानून द्वारा तो आपके शरीर को छीना जा सकता, प्राण को छीना जा सकता है, लेकिन आप अपने लिए भी तो स्वयं स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो सुसाइड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या करना आपका मौलिक अधिकार है। ये बात न्यायपालिका में पहुंचा तो न्यायपालिका ने संविधान का व्याख्या करते हुए यही कहा कि महोदय ऐसा है कि अनुच्छेद 21 को पढ़ने से तो यही ज्ञात होता है कि सुसाइड करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन वहीं पर आत्महत्या को लेकर गतिरोध हो गया। एक तरफ अनुच्छेद 21 है आर्टिकल और एक तरफ धारा 309 है सेक्शन, इसे हम धारा कहते हैं और इसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अब देखिए धारा और अनुच्छेद में गतिरोध हो गया, अगर धारा और अनुच्छेद में गतिरोध हो जाए तो हम अनुच्छेद को वरीयता देंगे, धारा को नहीं, क्योंकि संविधान में जिन नियमों कानूनों की परिचर्चा है वो सब सर्वोच्च कानून होते हैं और जो धारा और आईपीसी सीआरपीसी में धाराओं की चर्चा है वो सेकेंडरी ला है। तो धारा और अनुच्छेद में अगर गतिरोध हो गया, यहां पर धारा 309 कहता है सुसाइड करना एक अपराध है, अगर आप आत्महत्या करते हो तो अपराध करते हो। न्यायपालिका ने धारा 309 को ज्ञानकौर केस में अवैध कर दिया और 21 को वरीयता दे दिया, लेकिन जब न्यायपालिका ने देखा कि इसका तो समाज पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है, है ना, अब सुसाइड करने का अधिकार जब मौलिक अधिकार दे दिया न्यायपालिका ने, तो लोग जो है बड़े सरलता और सहजता से मरने लगे। कुछ भी होता, वे हाई स्कूल में नंबर कम आ गया, अरे यार चलो सुसाइड कर लेते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता, मौलिक अधिकार। कोई दुकानदार के पास गया, बोला भैया थोड़ा रस्सी दो, आत्महत्या करना है। दुकानदार ने कहा कि भैया हमारे पास रस्सी नहीं है। अब उसके स्टोर कोर्ट चला गया कि योर ऑनर इनके पास रस्सी था मेरे सामने ही, लेकिन हमें ये नहीं दिए, हम सुसाइड करने जा रहे थे, ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिए। तो इस प्रकार मरना और मारना बड़ा सरल हो गया। न्यायपालिका ने पीरथी राम केस में अपना डिसीजन बदल दिया और अनुच्छेद 21 यद्यपि की सुप्रीम लॉ है लेकिन उसे सेकेंडरी लॉ बनाना पड़ा, क्योंकि अनुच्छेद 21 भी आपके लिए है, धारा 309 भी आपके लिए है, लेकिन वहां पर कंफर्ट फील नहीं हो रहा था समाज समुदाय मानव के। इसीलिए पीरथी राम केस में न्यायपालिका ने धारा 309 को फिर से वैध किया और कहा कि सुसाइड करना अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, अगर सुसाइड करते हो तो अपराध करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आत्महत्या करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, भले ही यहां पर कहा गया है कि प्राण और आप दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और आत्महत्या करना है ना बुजदिलों का काम है, अरे यह इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है, यह मानव समुदाय में आपने जन्म लिया है, कायरता का ये प्रतीक है, तो आत्महत्या करना स्वयं के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध यह अपराध है और हम ये कहेंगे कि ये कायरता है। संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करने वाला कभी हार नहीं होती, वो आगे बढ़ता है। अब आइए अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 21 में आपको क्या ध्यान देना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। इस पर दो सवाल पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप बताइए 21। फिर पूछेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, 21। और तीसरा सवाल अधिकतम क्या बन सकता है कि विधि द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के समान है, तो आप जापान लगाइएगा। तीन सवाल आपके लिए, टेट सीटेट के अभ्यर्थी इस बात को ध्यान देंगे। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब यहां देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण, यहां भी इसको समझना है तो
तो इसके तीन पार्ट को समझना होगा। 22 का खंड एक कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, तो उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, है ना, कारण बताया जाए, उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श करने तथा अदालत में पक्ष रखने या सफाई देने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार होगा। 22 का खंड 3 का 2 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट प्रस्तुत निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। और 22 का खंड 3 कहता है, यह 22 के खंड 1 और 2 का अपवाद है, वो कहता है कि हम अगर शत्रु देश के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए, अगर निवारक नजरबंदी कानून के तहत किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम 22 के खंड 1 और 22 के खंड 2 का लाभ नहीं देंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए, गिरफ्तारी का कारण जानना मौलिक अधिकार है। अगर कोई आपको अरेस्ट करता है तो आप अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं, आप अपना सफाई दे सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं, ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपके इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। आगे कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर निकटस्थ मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन इस 24 घंटे के समय में यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस जब FIR दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR जब दर्ज होता है GD में, हर थाने में एक जनरल डायरी होता है GD, उसमें समय तारीख अभियुक्त का नाम लिखा जाता है। तो FIR दर्ज होने के बाद वहीं से काउंटडाउन 24 घंटे का शुरू हो जाता है। पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रहे, इसमें यात्रा में लगा समय नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए 24 घंटा 30 मिनट हो जाए पुलिस को लेकर न्यायालय तक पहुंचने में, आप उस आधार पर कोर्ट नहीं जाएंगे कि क्यों 24.5 घंटा हो गया, क्योंकि वो दिखा देगा थाने परिसर से लेकर अदालत तक पहुंचने में जो हमें समय लगा वो आधे घंटे का समय लगा। तो थाने से लेकर अदालत परिसर तक जो यात्रा किया जा रहा है उस यात्रा का समय 24 घंटा में नहीं जोड़ा जाएगा। 22 का खंड 3 कहता है कि अगर हम कोई शत्रु देश के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए तो उसे हम गिरफ्तारी का कारण नहीं बताएंगे, अगर वो शत्रु देश का है तो उसे वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी नहीं होगा, उसे सफाई देने या पक्ष रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, और ऐसे शत्रु देश के व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने की बाध्यता भी नहीं होगी। अगर कोई निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे भी कारण, वकील वाला, पक्ष रखने, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी। अब प्रश्न है कि ये निवारक नजरबंदी कानून है क्या? तो निवारक नजरबंदी कानून एक ऐसा कानून है जो जिसमें गिरफ्तारी मात्र संदेह के आधार पर होता है। निवारक नजरबंदी कानून में गिरफ्तारी संदेह के आधार पर होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है अपराध करने से पहले अपराध की रोकथाम करना। कोई भी अपराध हो रहा है, उस अपराध से पहले उस अपराध की रोकथाम करना ही निवारक नजरबंदी कानून का उद्देश्य होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवारक नजरबंदी कानून के तहत अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो 3 माह तक अभिरक्षा में रखा जाएगा, अर्थात कैद करके रखा जाएगा। 3 माह से अधिक समय के लिए भी कैद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक परामर्शदाता मंडल से परामर्श लेना होगा, और परामर्शदाता मंडल का निर्माण हाई कोर्ट के जज से होगा जिसमें न्यूनतम 3 जज होंगे। अब समझिए, अब यहां पर टेट सी टेट का सवाल कैसे बन लेगा। अब यहां देखिए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा निवारक नजरबंदी कानून के तहत, उसे कितने समय के लिए? 3 माह तक कैद किया जाएगा। एक सवाल पूछेगा एग्जामिनर, किस कानून में गिरफ्तारी मात्र संदेह के आधार पर होता है? निवारक नजरबंदी कानून के तहत, है ना।
अगर 3 माह से अधिक समय के लिए किसी को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार करना है तो उससे उसके लिए एक परामर्शदाता मंडल से परामर्श लेना होगा। अगर परामर्शदाता मंडल ये कहता है कि इसे 3 माह से अधिक समय के लिए अरेस्ट करके रखो तो अरेस्ट किया जा सकता है, और परामर्शदाता मंडल का निर्माण हाई कोर्ट के जजों से होता है। तो यहां पर 2 टाइप की गिरफ्तारी हो रही है, एक सामान्य गिरफ्तारी, एक विशेष गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी में गिरफ्तारी का अवधि 24 घंटा है और विशेष गिरफ्तारी में गिरफ्तारी की अवधि 3 माह है, 3 माह है। तो एक बात का ध्यान ये रखना है, आपसे यहाँ पर सवाल कैसे बन सकता है, सवाल पूछेगा कि निवारक नजरबंदी कानून के तहत कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 माह। ये आपका टेट में सवाल बन सकता है ना। यह ऐसे बनेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटस्थ जज के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा, आप बताइए, 24 घंटा। ये वन लाइनर सवाल है, ये सवाल बन सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने चाहा कि मौलिक अधिकार में हम सवाल बनाएं तो 19 से 22 पर वो सवाल प्राय बनाते लोग हैं, क्योंकि 19 से 22 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर 24 घंटा और यहाँ पर 3 माह, ठीक है। या ऐसे पूछ देगा निवारक निर्बंधी कानून की चर्चा कहाँ है, तो निवारक निर्बंधी कानून की चर्चा 22 में है। निवारक नजरबंदी कानून एक समवर्ती सूची का विषय है, इस निवारक नजरबंदी का विषय पर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। केंद्र ने कानून बनाया पोटा निवारक नजरबंदी कानून, टाडा निवारक नजरबंदी कानून, मीसा निवारक नजरबंदी कानून, रासुका जो पुलिस में बड़ा फेमस कानून है निवारक नजरबंदी कानून, और राज्य सरकारें भी निवारक नजरबंदी कानून बना रही हैं, जैसे गुजरात सरकार ने गुजको का, महाराष्ट्र सरकार ने महाको का, और सबसे प्रमुख बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विधानमंडल में भी एक निवारक नजरबंदी कानून के लिए बिल आ चुका है जिसका नाम है यूपी को का, ठीक है। तो थोड़ा 19 से 22 टाइम लगा, ये थोड़ा समझाने वाली चीजें थी, हमने सोचा कि कम से कम एक पॉइंट तो समझा दें, कम से कम आधार तो बना दें, क्योंकि 19 एक एक अनुच्छेद तो हमको बहुत समय लगता है समझाने में। लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि कम से कम इतनी बातें व्यवहारिक तो हो ही जाए जिससे कि कोई आपको मूर्ख ना साबित कर सके, इसलिए हमको टाइम लगा 19 से 22। कल छोटा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 23, 24 से 2 आर्टिकल्स है, तो 23, 24, 25, 26, 28 तक तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे। फिर जाकर आपको 32 में रिट समझाना है, क्योंकि रिट पर सवाल बनेगा, और डीपीएसपी तो हम आपको ऐसे बता देंगे 2 मिनट में डीपीएसपी हो जाएगा, ठीक है, वहां सवाल मिस नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे, इसका आभार। कल हम लोग सेम टाइम समय पर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो हमें बताइए, हम उसका निस्तारण करेंगे। कल आपने लोगों ने जो लिखा, मैंने आज सर से बात किया, है ना, बात किया तभी मैं यहाँ से गया, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है इसलिए मैं जल्दी में कहा, है ना। तो कल इसी टाइम हम लोग फिर मिलेंगे, 9:20 मेरा टाइम है, 2-4-5 मिनट ये सब सेट उठ करने में लग जाता है, तो 9:20-9:25 पर आप रेडी रहिए और हम लोग आते हैं, और आराम से फिर कल हम लोग 45-50 मिनट कम से कम हम लोग पढ़ेंगे, और आपका एकदम समय से पूरा होगा। आप विश्वास करिए, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं। आप ये ना सोचिएगा कि सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, समझ में भी आएगा और सारी चीजें भी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ओके।